रक्षाबंधन पोस्टर, यानी कि दोस्तों आप भी अपने बहनों के साथ इस तरह का फ़ोटो खिंचवाएं सो आप यहां पूछते हैं, तो इस फोटो को आप यहां पर सेट कैसे करेंगे, अपना फ़ोटो यहां पर किस प्रकार से लगाएंगे, अपना नाम किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे। अगर आपके पास आपके बहनों का खिंचा हुआ पहले का फ़ोटो नहीं है तो इस फोटो को यूज़ करके सिर्फ अपना फ़ोटो लगाकर और नाम लिखकर किस तरह से पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, इस तरह के दो पोस्टर हम आपको डिज़ाइन करके बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, वरना आपका पोस्टर रेडी नहीं होगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आना है, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक का, सो आप यहाँ पर इसते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे ब्लॉग चैनल का लिंक है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पूछते हैं कि फर्स्ट पोस्टर, तो इसे आप डाउनलोड करेंगे, और सेकंड पोस्टर इसे भी आप डाउनलोड करेंगे। दोनों का डाउनलोड करने का मैं आपको बता चुका हूँ, पहला ये है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पहला ये है और दूसरा ये बैकग्राउंड है, दोनों को आपको डाउनलोड कर लें। लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन है बीजी रिमूव का, यानी अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना है, जो भी आप फ़ोटो पोस्टर में लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप बीजी रिमूव वाले लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जिस फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, फ़ोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आपको वो फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना है जिस फ़ोटो को मतलब आप अपने भाई बहन के साथ खिंचवाएं उस फ़ोटो को, जिसे मुझे इस फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसे भी इस तरह से आपको रिमूव कर लेना है। तो आप यहां से रिमूव करेंगे और इसे भी आप यहां पर डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, इसे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से दोनों फ़ोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है, यहां पर आपको पिक्सल लैब एक एप्लीकेशन है, इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, देन आपको यहाँ से ओपन करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, सो आप यहाँ पर इसते हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड में क्लिक करना है, थ्री डॉट पर इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर स्क्वायर सेलेक्ट करना है, इधर आपको 800 कर देना है और इस साइड आपको 900 करना है, सो आपको मैं करके दिखाता हूं। और 900 करने के बाद आपको यहां से ओके वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका बैकग्राउंड रिमूव ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, तो पहले मैं इस फ़ोटो को आपको बताता हूँ। इस फ़ोटो को यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, आपको सही वाले पर क्लिक करना है, तो फ़ोटो आ चुका है। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं इस पर आपको क्या करना होगा, ए वाले सेक्शन पर जाएँगे, एडिट पर जाएँगे और आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ से नाम टाइप कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको नाम टाइप करके यहाँ पर दिखाता हूँ, नाम टाइप करेंगे, ओके करेंगे और इस फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, तो आपको इधर आना है, फॉन्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें फॉन्ट के ऑप्शन पे आएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट ध्यानपूर्वक देखिए, इस तरह से बोल्ड फॉन्ट जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे, ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से इसे आप साइज को छोटा बड़ा अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर लेंगे। और इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लॉक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका बैकग्राउंड रिमूव फ़ोटो है, पहले इस फ़ोटो को लेते हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है, सही पर टिक करते हैं, यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है, इसे साइड छोटा बड़ा अपने अनुसार यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो को सेट करना है कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर इसने कि आ चुका है, तो इस तरह से अपने साइज अनुसार यहाँ पर इस फ़ोटो को ले लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है और इसको भी आप यहाँ पर लॉक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और आपका जो फ़ोटो है ये इस फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है और सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे भी अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहां से आप नीचे लाएंगे, यहां पर आप सेट कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते होंगे, ए वाले सेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ ऑनलाइन सुजीत, इस तरह से मैंने यहाँ से ऑनलाइन सुजीत लिख दिया, सो आप यहाँ पर इसमें ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस साइज को फिर से फॉन्ट को बड़ा करेंगे, इधर आएंगे फॉन्ट वाले सेक्शन में आपको आना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बोल्ड फॉन्ट है अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे और कलर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है या
जो भी आपको सूटेबल कलर लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, और लिखने के बाद इस फोटो को आपको सेव करना है तो यहाँ पर आपको आना है ऊपर में सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, और आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है तो आपका इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका इस तरह का फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, नीचे आएंगे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और आपको इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सही पर टिक कर देना होगा। ये फ़ोटो हट चुका है, अब इस फ़ोटो को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे और इसे डिलीट कर देंगे। फ़ोटो डिलीट हो चुका है। अब इस तरह का फ़ोटो भी आप यहाँ से सेव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पर क्लिक करके आप इसे भी अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ गैलरी में सेव हो चुका है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से कुछ आप पोस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे आसान यही तरीका है। और वीडियो पसंद आए होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी मिल जाता है। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।